कितने दरवाजे हैं राजगढ़ में? चार दरवाजे हैं। ये देखो भाई, जो मालाखेड़ा दरवाजा है ना, इसकी हालत देख सकते हो आप लोग। ये जो दरवाजे का जो गेट बना हुआ है ना, ये आज भी उसी पहले का ही जमाने का है ना। ये एंट्री का एक मेन पॉइंट था, इसको अभी कहते हैं मालाखेड़ा दरवाजा, और यहाँ से परकोटा स्टार्ट होता है। तो एक तो ये दरवाजा है गणेश पोल, जहाँ से शहर के अंदर जो पहले एंट्री होती थी। आपके हिसाब से कितने होंगे दरवाजे, अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत? दरवाजे चार पांच दरवाजे ना, कुछ लोग कहते हैं छह दरवाजे हैं। भाई ये वो मेन दरवाजा था जो राजगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता था। देखो वो आपको दिखेगा ना, वहाँ पे फोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत पहले यहाँ चलता था जो सरकारी ऑफिस था, थाना, राजगढ़ थाना। अभी भी बहुत सारी जो चीज़ें बनी हुई हैं, बट ये किसी समय घोड़े खड़े करने का एक अस्तबल हुआ करता था। देखो वहाँ पे आपको दिखेगा ना, वहाँ पे ये दरवाजा है। ये दरवाजा आगे की साइड में मेन राजगढ़ को कनेक्ट करता है। आपका नाम बताओ, आपको परिचय बता दो थोड़ा सा। नाम अशोक पंडित है। अशोक पंडित जी यहीं रहते हो? कौन सा मंदिर है, क्या नाम है इसका? हनुमान मंदिर। कितने दरवाजे थे टोटल राजगढ़ में बताओगे कुछ थोड़ा बहुत, अगर आपको है जानकारी तो? पाँच छः, कोई कहते कांकवाड़ी का भी दरवाजा था। छः दरवाजे थे ना। तो ये क्या कह रहे हो, ये महल को छोड़ के छह दरवाजे थे और अपने इस वाले दरवाजे को भी छोड़ के, इसको भी छोड़, जिसमें से एक गणेश दरवाजा है, एक मालाखेड़ा दरवाजा है, एक बसुआ दरवाजा है, तीन, और एक दिल्ली दरवाजा, उधर वो गोल चक्कर से ही जाते हैं ना, पांच पोस्ट ऑफिस, चार पांच, हाँ पांच हो गए, दिल्ली दरवाजा और एक ऊपर को मंडी को छोड़ते हैं। अच्छा एक वहाँ है देवी की मंदिर। अच्छा अच्छा, वो मंडी को छोड़ते हैं, वो भी टूट गया है। अच्छा, और एक हनुमान जी है ना, हनुमान मंदिर है गोल सर्कल, वो भी दरवाजा है। अच्छा, वो भी हलवाई की दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी दरवाजा। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी अब 58 लग जाऊंगा। अच्छा देखो भाई, सामने दिखेगा आपको राजगढ़ का फोर्ट, जिसको राजगढ़ का जो किला कहते हैं ना। अलवर बसने से पहले ये राजगढ़ ही था। राजगढ़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। ये देख सकते हो ऊपर की साइड में, इसके उस पार में है फोर्ट। ये फोर्ट का पीछे का हिस्सा है, और ये देख सकते हो एक तरीके का यहाँ पे ये बुर्ज बना हुआ है। अब आज मैं जो कवर करने वाला हूँ ना, वो ये दिखाने वाला हूँ कि राजगढ़ में कितने दरवाजे थे। वीडियो को पूरी देखना आप लोग। यहाँ से जो खाई है ना, वो स्टार्ट होती थी, और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है। ये किले का पीछे की साइड का पार्ट था। इस पार में देखोगे तो आपको दिखेगा भूरा सिद्ध जी का मंदिर। देखो उस पहाड़ी में, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, अगर दिखेगा तो वहाँ पे। अब ये किले का पीछे का पार्ट था, ये पूरा एक बंद हुआ करता था। बंद बोले तो बांध, एक तरीके का पेयजल की सिंचाई के लिए, ये वो चीज़ थी। और देखो अभी यहाँ पर एक मंदिर है, और जो दरवाज़ा है ना वो ये है, ये देख सकते हो एक दरवाज़ा है। ये इस बांध में आने के लिए था, जिसको कह सकते हैं एक समय पे ये हिल स्टेशन था पूरा राजगढ़ का। जो फोर्ट के पीछे की साइड का ये पार्ट है, आप देखोगे सामने फोर्ट है। अब इस किले के अंदर एंट्री के 5 से 6 दरवाजे थे, जिनको आज मैं आपके उसकी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये पूरा बांध का एक हिस्सा था, और ये दरवाज़ा था जो बांध को कनेक्ट करता था। फोर्ट के पीछे की साइड का ये एरिया है, और इससे अंदर की साइड में आप लोग देखोगे ना, तो ये 5 जो दरवाजे हैं, गणेश पोल, मालाखेड़ा गेट, बसुआ गेट, इनके चारों साइड में यहाँ से जो खाई है ना वो स्टार्ट होती थी। देखो छोटा सा मैं आपको अवशेष भी बता दूंगा कि कहाँ से वो जो खाई है ना उसकी जो शुरुआत होती थी। ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको छोटा सा पार्ट। अभी यहाँ नरेगा का वो चलता है, जो कि अभी पाल बन चुकी है। इससे आगे देखोगे तो आपको गणेश पोल मिलेगा देखने को। देखो भाई ये था वो दरवाज़ा जो बांध को कनेक्ट करता था, बाबा ने अभी बताया ना। और ये पूरा फोर्ट है, इसका जो दरवाजे का जो गेट है ना, ये उसी ज़माने का है भाई। देखो सॉलिड है भाई, बढ़िया एक नंबर। जो यहाँ से जो पूरा परकोटे का जो है ना, मैं बता रहा हूँ वो सीन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये फोर्ट का पिछले साइड का हिस्सा है, और ये एक ये दरवाज़ा है। देखो भाई ये किले का पीछे की साइड का पार्ट है। इस पार्ट से आपको किसी समय ये पूरा जो बांध हुआ करता था ना, देखो यहाँ पे कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और इधर की साइड में जो है ना, उसको कहते हैं बसुआ दरवाज़ा। अभी यहाँ खेती होती है, और किले के ऊपर की साइड में जो परकोटा जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उस पार का जो परकोटा था ना, वो तो मैंने आपको बताया कि वो अट्टा मंदिर है, वहाँ से स्टार्ट होता है। बट यहाँ का जो परकोटा है ना, वहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं बसुआ दरवाज़ा। और इसके ऊपर की साइड में आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ पे बुर्ज वगैरह बने हुए हैं। तो ये वो पार्ट था, बांध का पार्ट था।
और ये पूरा राजगढ़ फोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं आगे की साइड में, और आगे का जो उधर जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से राजगढ़ फोर्ट के लिए एंट्री होती है, देखो भाई एक दरवाज़ा ये है जिसको कहते हैं बसवा दरवाज़ा, ये आप लोग देखोगे ना यहाँ से। अभी सीधा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, यहाँ से जो परकोटा है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम था बसवा दरवाज़ा, जो कि पहले का ही बना हुआ है, उसी समय जब राजगढ़ का जब फोर्ट बनवाया था। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा किस साल में उसको बनवाया था। और देखो ये गेट उसी समय का है, बसवा दरवाज़ा। हाँ, बसवा दरवाज़ा। देखो भाई लोगों, ये कील आप लोग देख सकते हो, और इस पार में इसको कहते हैं, मतलब ये बसवा की साइड में जाता था इसलिए बसवा दरवाज़ा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई लकड़ी लगी हुई है ऊपर की साइड में आज भी, और वो फोर्ट दिखेगा आपको, वोरा फोर्ट, वो फोर्ट है वहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये परकोटा स्टार्ट होता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ फुल तरीके से। देखो यहाँ ऊपर आते हैं इस पे, इस दरवाजे पे जिसको कहते हैं बसवा दरवाज़ा, और यहाँ से आपको दिखेगा जो राजगढ़ का फोर्ट है वो। भाई पास से नज़र नहीं आता, वरना दूर से कितना बड़ा लगता है ये। और ये पूरा परकोटा के लिए चला जाता है ऊपर के लिए रास्ता। जो मैं आपको बताने वाला था कि जो बांध था वो इस पार में था, देखो यहाँ से आगे ये जो पूरा बांध था, और किले के वहाँ से ये पूरी जो दीवार है ना वो आती है। यहाँ दरवाज़ा था, इसके इस पार में राजगढ़ था, ये राजगढ़ के बाहर का पोर्शन है, ये पूरा परकोटा है यहाँ से। भाई ये वो मेन दरवाज़ा था जो राजगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता था। देखो वो आपको दिखेगा ना, वहाँ पे फोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत पहले यहाँ चलता था जो सरकारी ऑफिस था, थाना, राजगढ़ थाना। अभी भी बहुत सारी जो चीज़ें बनी हुई हैं, बट ये किसी समय घोड़े खड़े करने का एक अस्तबल हुआ करता था। देखो वहाँ पे आपको दिखेगा ना, वहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा आगे की साइड में मेन राजगढ़ को कनेक्ट करता है, और फोर्ट को जो एंट्री जो देता था ना दरवाज़ा, इसका नाम नहीं पता मेरे को, अगर कोई लोकल यहाँ से वीडियो देख रहा हो तो वो मेरे को बताना। यहाँ से ये राजगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है, और इधर की साइड में वो परकोटा वहाँ से स्टार्ट होता है जो मैंने बताया था आपको, और ये वो रास्ता है जब लोगे आप फोर्ट के लिए, तो ये वो रास्ता था जो फोर्ट को कनेक्ट करता था। और अभी इसमें जाने के लिए अनुमति नहीं है, बट वो वाली जो छतरी है ना उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सी स्मेल, उसके कुछ फ़ोटो लगा दूंगा आप लोग देख लेना। और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा लेख लिखा हुआ है भाई, उर्दू में लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। अब किसी को अगर समझ आ रहा हो ना तो इसको बताना, ये मार्बल के पत्थर पर लिखा हुआ लेख है भाई, ये आई थिंक उर्दू लिखी हुई है यहाँ पे। और ये वो रास्ता जिससे आप फोर्ट को कनेक्ट हो जाओगे। अभी इसमें एंट्री है नहीं किसी की भी, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसको बनाया जाएगा होटल। और यहाँ देखो ये वाला छोटा सा एक रहस्यमय चीज़ है जो मेरे भी समझ से बाहर है। ये चीज़ तो समझ में आती है कि चलो ठीक है ये हवेली को कनेक्ट करता था ये, बट ये वाली जो सीढ़ियाँ है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये सीढ़ियाँ आगे तक यहाँ जाती हैं, यहाँ से जाने के बाद में ऊपर एक छोटा सा रूम बना हुआ है। यार वो समझ नहीं आ रही कि वो फोर्ट में किसी समय गुप्त रास्ते के तौर पे यूज़ लिया जाता था या क्या है। और जो मैं बांध की बात कर रहा था ना, वो आपको ये बांध देखने को मिलेगा, और वहाँ से परकोटा स्टार्ट होता है। ये पूरा राजगढ़ फोर्ट है। देखो भाई राजगढ़ जो फोर्ट है ना, उसके अंदर मेन एंट्रेंस का जो रास्ता है ना वो ये वाला है, ये नीचे की साइड से मैंने आपको बताया। प्लस एक और चीज़ मिली मेरे को देखने को कि यहाँ से देखो कुछ सीढ़ियाँ है ना, जो यहाँ से उतरने के बाद में यहाँ से देखो वहाँ तक उतरती है। अभी आई थिंक किसी समय ये जो चीज़ें होंगी ये तो रही नहीं होंगी, क्योंकि वो जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है ना वो बहुत पुराना है उस तरीके का, और एक वहाँ पे भी हवेली रही होगी। और जो मैं बांध की बात कर रहा था ना वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और देखो ये शायद आई थिंक वो वाला दरवाज़ा है ना वहाँ पर जो नीचे की साइड से आ रहा है, वो ये पूरा जुड़ रहा होगा, ये जो भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा फोर्ट है। और फोर्ट के उस पार में वहाँ देखो मंदिर है। अब मैं आपको खास चीज़ें जो दिखाने वाला हूँ वो देखो, जो यहाँ से स्टार्ट होके जो परकोटा है ना वो आपको यहाँ दिखेगा, फिर ये यहाँ 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 चलता हुआ सामने देख, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का परकोटा है ये। वहाँ देखो वहाँ पर भी कुछ सारी चीज़ें बनी हुई हैं,
इधर की साइड में है, फिर इधर की साइड में है। देखो वहाँ पे वो जो दिखेगा ना वो आपको मंदिर है, उसके नीचे की साइड में वहाँ पे है मालाखेड़ा दरवाज़ा, और ये पूरा इधर की साइड में गणेश पोल होते हुए घूमते हुए पीछे की साइड में ये फोर्ट को जो चारों साइड से जो प्रकोट है ना वो कनेक्ट करता था। वहाँ देखोगे ना ये पूरा आपको राजगढ़ कस्बा दिखने वाला है।